नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने इस एग्ज़ाम के 138 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। 139 क्वेश्चन से हिमाचल जीके शुरू होते हैं, अब उनको डिस्कस करेंगे। 139वां क्वेश्चन है, नारागढ़ का पुराना नाम था। ऑप्शन ए हिंदूर, या ऑप्शन बी नगरकोट, या ऑप्शन सी सुकेत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदूर, जो है वो नारागढ़ का पुराना नाम था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं तथा पुराने नाम का आपको सबको याद होना चाहिए कि किस जो है डिस्ट्रिक्ट का या किस शहर का पुराना नाम क्या था। तो सुंदरनगर का जो है पुराना नाम बनेड था और यह मंडी ज़िले में है। उसी तरह बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था और ये कांगड़ा ज़िले में है। उसी तरह कांगड़ा का पुराना नाम तिगड़ था और ये कांगड़ा ज़िले में है। उसी तरह कुल्लू का पुराना नाम कुल्लू था और कुल्लू ज़िले में है। पुराने नाम का आपको याद होना चाहिए, एक नए क्वेश्चन पुराने नाम से पूछा जाता है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 140वां क्वेश्चन है, मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राजसी राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आक्रमण दिया था। ऑप्शन ए बुशहर, या ऑप्शन बी हिंदूर, या ऑप्शन सी सिरमौर, या ऑप्शन डी सुकेत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर, जो है वो उसके राजसी राज्य के राजा ने गोविंद सिंह को आक्रमण दिया था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो 1695 में सिरमौर के शासक के आक्रमण पर मुगलों से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए सिखों ने हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में आए। गुरु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ तलाटी में पांटा साहिब में बस गए। 141वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन ए 1948, या ऑप्शन बी 1951, या ऑप्शन सी 1954, या ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1956 में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया तथा उसके बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया तथा उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 तक मुख्य आयुक्त रहा। उसके बाद 1951 ईस्वी में इसे ग श्रेणी में रखा गया तथा यह ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। 142वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजम दर्रा अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए कुल्लू, या ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, या ऑप्शन सी चंबा, या ऑप्शन डी कांगड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में जो है कुंजम दर्रा अव्यवस्थित है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो भारत के सबसे ऊंचे मोटरवे वाले माउंट पास में से एक है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 143वां क्वेश्चन है, बसपा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए ब्यास, या ऑप्शन बी चिनाब, या ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जो है वो बसवा की सहायक नदी है। तो बसवा की सहायक नदी जो है वो उसका नाम है सतलुज। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो बसवा अपने ऊपरी अपक्रमों में सतलुज नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बसवा बसवा पहाड़ियों से निकलती है तथा करछम कल्पा के पास बाएँ किनारे से मिलती है। सतलुज नदी चौड़ा के पास पश्चिम में किन्नौर जिले को छोड़कर शिमला में प्रवेश करती है। 144वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काइज वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। ऑप्शन ए चंबा, या ऑप्शन बी किन्नौर, या ऑप्शन सी कुल्लू, या ऑप्शन डी मंडी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू में जो है काइज वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। 145वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए मुनाल, या ऑप्शन बी तोता, या ऑप्शन सी पश्चिमी ट्रैगोपन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी ट्रैगोपन, जिसे कि वेस्टर्न ट्रैगोपन भी कहते हैं, वो जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो 2007 में तीसरी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में पश्चिमी ट्रैगोपन का ताज बनाने का फैसला किया, जिसे स्थानीय रूप से जुजू राणा के रूप में जाना जाता है। जुजू राणा जो है इसका हिंदी में नाम है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें, यानी कि वेस्टर्न ट्रैगोपन को जुजू राणा भी कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में अपनी पूर्व स्थिति में अलग है। 146वां क्वेश्चन है, थ्रोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए चिनाब, या ऑप्शन बी सतलुज, या ऑप्शन सी ब्यास, या ऑप्शन डी रावी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चिनाब नदी पर जो है वो
थ्रोट जल विद्युत परियोजना निर्मित है। अब हम थ्रोट हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो थ्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले की थ्रोट नदी पर स्थित है। बिजली उत्पादन के लिए पानी का स्रोत थ्रोट नदी और बेसिन सिंधु नदी है। थ्रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देश के उत्तर जल विद्युत क्षेत्र में बनाया गया है। 147वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए NH-103 या ऑप्शन बी NH-105 या ऑप्शन सी NH-3 या ऑप्शन डी NH-5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी NH-3 जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब हम NH-3 के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो NH-3 जो है वो भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे अटारी से शुरू होता है और अमृतसर के पास और हिमाचल प्रदेश के मनाली के रास्ते लद्दाख किले में समाप्त होता है। इसी प्रकार हमारे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 147 क्वेश्चन तक कम्प्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।